गेंदे 19 रन, अंतिम ओवर शेष है, 6 गेंदे बची हैं, 19 रन जीत के लिए चाहिए जयपुर पिंक सिटी रॉयल्स को। हाँ शॉट है, और इस बार हवा में खड़ी हो गई है गेंद, उसके नीचे दो फील्डर हैं और कैच ड्रॉप किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं और आसानी के साथ वो भी पूरा किया। अब 4 गेंदे 11 रन, 4 बॉलों में 11 रन जीत के लिए चाहिए यहां पर जयपुर पिंक सिटी रॉयल्स को। तेज तर्रार शॉट और फॉलो थ्रो में गेंद को फील किया है, ये तो गेंदबाज को ही मालूम है कि कितनी तेज आके उनके हाथ पे लगी है, तेज तर्रार शॉट। और ओ हो, लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और 6 रन, दो गेंदों में मात्र 5 रनों की और आवश्यकता है यहाँ पर जयपुर पिंक सिटी रॉयल्स को। रोमांचक मैच बनाते हुए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रोमांच बनाया है, 2 गेंदे शेष हैं, 5 रन जीत के लिए चाहिए यहाँ पर जयपुर पिंक सिटी रॉयल्स को। राहुल खंडेलवाल ने तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, 29 गेंदों में 59 रन, जिसमें 2 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए अब तक। 2 गेंदे हैं और 5 रन जीत के लिए चाहिए, धड़कने सबकी बढ़ती हुई, क्या यहाँ पे जयपुर जीतेगी, क्या यहाँ पर कोटा जीतेगी, किसी को कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन रोमांच वो बढ़ गया इस मैच में। दो गेंदों में मात्र 5 रनों की आवश्यकता है, क्या वो 5 रन रोकने में सफल रहेगी कोटा की टीम, क्या वो 5 रन बना पाएगी जयपुर की टीम, ये तो आगे वाली 2 गेंद ही बताएंगे। ओ दिलशान स्कूप शॉट खेल दिया है और गेंद बाउंड्री के बाहर, स्कोर लेवल। अब एक बॉल 1 रन, इस 1 रन को क्या रोक पाएंगे कोटा की टीम, क्या यह मैच टाई होगा, क्या सुपर ओवर खेला जाएगा, एक बॉल है और 1 रन यहां पर जयपुर की टीम को यह मैच जीतने के लिए चाहिए। राहुल खंडेलवाल ने तो कमाल कर दिया, 30 गेंदों में 63 रन, 3 चौके और 5 छक्के,
अब एक रन जो है उसको बचाने के लिए जदोजहद चल रही है और कैप्टन जितने भी दर्शक सेलिब्रिटीज सब खड़े हो गए हैं, उनके दिलों की धड़कन बढ़ गई है। वो सभी देख रहे हैं कि हो ना हो क्या गया, कहां से कहां मैच आ गया। अब मात्र एक बॉल में एक रन। शहबाज खान राइट आर्म ओवर द विकेट। सभी खिलाड़ियों को, ज्यादातर खिलाड़ी हैं जो नजदीक बुला लिया गए हैं। और ये जयपुर पिंक सिटी रॉयल्स ने ये मैच 4 विकेटों से अपनी झोले में डाल लिया। क्या मैच देखने को मिला, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत अंदाज में ये मैच जीता है यहाँ पर जयपुर पिंक सिटी रॉयल्स ने।